हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी नवरात्रि स्पेशल समा चावल का खीर। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि स्पेशल समा चावल का खीर बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया, 1 बाउल शक्कर लिया। ये जैसे मीठा चाहिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। समा के चावल 1 बाटी लिया, 4 इलायची को पाउडर करके रखा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में काजू और आलमंड बादाम लिया। अच्छी तरह से बॉयल करके लेती हूँ। समा चावल को पानी में वॉश कर लेती हूँ। दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करके थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ। दूध बॉयल होके कलर भी चेंज हो गया, गाढ़ा भी हो गया। अभी जो समय का चावल का वॉश करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ऐसे अच्छी तरह से स्टार करते जाने का और चावल का अच्छी तरह से दूध में पका लेने का। खीर अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया और चावल भी पक गया। अभी जो इलायची लिया फ्लेवर के लिए वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये फ्लेवर बहुत अच्छा देते हैं और स्वाद अनुसार शक्कर देके और थोड़ा टाइम बॉयल करूँगी, क्योंकि शक्कर मेल्ट होने के बाद खीर थोड़ा पतला हो जाएगा। ये खीर बहुत स्वादिष्ट होता है और व्रत में आप लोग खाने के लिए मैं स्पेशल बनाया। खीर बन के रेडी हो गया। अभी जो ड्राई फ्रूट्स लिया वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गैस बंद करके सर्व कर लेती हूँ। समा चावल का खीर बनके रेडी हो गया। एक व्रत वाला खीर है, आप सब लोग खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार बनाइए, आप लोग का अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।